हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 33 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉर से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई है कि एमसीयू के फेज 4 में हमें थॉर की सोलो मूवी देखने को मिलेगी, जो कि है थॉर 4। इसका ऑफिशियल टाइटल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये न्यूज है कि थॉर 4 को डायरेक्ट करेंगे ताइका वतीती, जिन्होंने थॉर रैग्नारोक को डायरेक्ट किया था। रैग्नारोक से पहले क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा था कि वो थॉर का रोल आगे प्ले नहीं करेंगे, पर जब उन्होंने थॉर रैग्नारोक में थॉर के ऑफिशियल पावर्स को देखा तब उनका ये डिसीजन बदल गया और उन्होंने कहा कि वो थॉर का रोल आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। ताइका वतीती ने जिस तरह रैग्नारोक में थॉर को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया, तो उसी तरह थॉर 4 में भी हमें थॉर से रिलेटेड काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है। जैसा कि एंड गेम में हमने देखा, टोनी के फ्यूनरल के बाद जब वैल्करी और थॉर बात कर रहे होते हैं, तब थॉर वैल्करी को एस्गार्ड वासियों का क्वीन बनाता है। उसके बाद थॉर ये बोलता है कि मैं अपना एक मकसद ढूंढने जा रहा हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली थॉर हमारे सामने एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है और शायद हमें थॉर से रिलेटेड कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली बेटा रेविल और जेन फॉस्टर एज लेडी थॉर देखने को मिले, जिसमें बेटा रेविल के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उसका कैमियो हमें रैग्नारोक में दिख चुका है और साथ ही साथ हमें इटर्नल्स और जीओटीजी वॉल्यूम 3 का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो थॉर 4 से रिलेटेड। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कई सारे सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हां, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस। Play on.